यहाँ पर उपस्थित हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी ट्रेनिंग, एसएसपी देहरादून साहब, एसएसपी एसटीएफ, बाकी पुलिस के अधिकारीगण और विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी साथी। ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम सभी जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि ड्रग्स फ्री नेशन बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक हमें देवभूमि को ड्रग्स फ्री करना है। तो उस सारे अभियान में हम सभी जुटे हुए हैं, किंतु चैलेंज बड़ा है। जैसा भी चर्चा हुई, चैलेंज बहुत बड़ा है और इतना आसान नहीं है जितना हम सभी सोच रहे हैं। उसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं और एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ड्रग्स में जो इंटरनेशनल माफिया है और जो ड्रग्स में मनी इन्वॉल्व है, वो बहुत भारी मात्रा में, जो ना उसकी बहुत बड़ी संख्या में इन्वॉल्व है। आप ये समझिए कि ड्रग्स का जो रेट है, जहाँ क्रिएट होती है, मान लिया अफगानिस्तान में हेरोइन, वहाँ 1,00,000 रुपये किलो है। जो ही वो पाकिस्तान बॉर्डर पार कर जाती है, 1,00,000 रुपये किलो हो जाती है। अगर वो अमेरिका पहुंच जाती है, जहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है जिन एरियाज में, वहाँ $1,00,000, 7-8 करोड़ रुपये किलो हो जाते हैं। तो सोचिए स्केल ऑफ दिस थिंग बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस उन लोगों के लिए। सीधा 100 गुना, जो ही उन्होंने एक स्मगलिंग कराया, सीधा 100 गुना वैल्यू बॉर्डर पार कराते हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे माफिया ड्रग्स के जुड़े हुए हैं, जो देश को खोखला करना चाहते हैं, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे जो कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहते हैं, आंतरिक सुरक्षा को हमारी। तो वो सब फोर्सेस भी हैं जो ड्रग सप्लाई में लगे हुए हैं। फिर बाकी जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के, जो बच्चों की जो चर्चा हुई कि किसी को कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को कुछ और है, किंतु उन सब का सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम जा कर के एक सिंपल आसान रास्ता ढूँढें, क्योंकि आसान रास्ता टेम्प्रेरी रास्ता है, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है। शिल्पी जी ने उसका अलग रास्ता बताया, आपने एक अलग रास्ता बताया, ये लॉन्ग टर्म रास्ते हैं। चाहे हम आध्यात्मिक रास्ता चुनें, चाहे हम अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को स्पोर्ट्स में लगाएं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाएं, फुटबॉल चैम्पियन बने, एथलेटिक चैम्पियन बने, इंडिया को ओलंपिक मेडल दिलवाएं, तो कहीं हम वर्ल्ड में सुपर पावर बनेंगे। तो ये जो बच्चे हैं, इनको, इनकी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है और नेगेटिव से रोकना है। तो उसके लिए जो सप्लाई साइड है उस पर काम करना है, डिमांड साइड पे काम करना है, रिहैब हमारे सक्सेसफुल होने हैं, जो काउंसलिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग हेल्पलाइन आपने देखा 1-444-6, उसमें भी वो भी एक पॉजिटिव काम आएगी हमारे। तो जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब मिल करके अगर एकजुट होंगे तब बड़े रिजल्ट आएंगे। जो कोहली जी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, मुनियाल जी ने भी काफ़ी अच्छा अपने प्रयास बताए उच्च शिक्षा में, क्योंकि उच्च शिक्षा सबसे बड़ा ग्रुप है मुनियाल जी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ हमारे पास भी खबर आती रहती है कि वो सबसे बड़े सेंटर्स हैं, पर चैलेंज ये है कि वहाँ ड्रग्स मिल क्यों जा रही है, वहाँ पर ड्रग्स सप्लाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नाम हमारी ANTF सक्सेसफुल नहीं है जितना होना चाहिए। तो हमको ये ढूंढना है रास्ता कि हम इसको सप्लाई को जीरो कैसे करें। हम जीरो टॉलरेंस पे आना चाहते हैं, डिमांड को जीरो करने में सोसाइटी का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, यूनिवर्सिटीज का रोल है, किंतु सप्लाई को जीरो करने में, जैसे इस तरह के जो स्वयं से भी लोग जो आ गए हैं कि हम ड्रग्स नहीं होने देंगे गाँव में, ऐसे प्लस पुलिस का रोल है। तो ये सारे फोर्सेस को कंबाइन होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और तब जा कर के हमें बड़ी सफलता मिलेगी। तो जैसा मैं इससे पहले कह रहा था कि इसका एक फॉलो अप मीटिंग करेंगे हम, 5 जुलाई को करेंगे, आयुष साहब उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसमें क्वालिटी चाहिए मुझे, टोटल 15-20 लोग हों और रियल ब्रेन स्टॉर्मिंग हो कि हम क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएँ जिससे जो लूप होल जाए ना सिस्टम के, वो जिससे भरे जा सके।
उसी का फायदा उठाता है क्रिमिनल। वैसे आपको बता दें कि हमने पिछले 3-4 सालों में बड़ा इन पे अभियान चलाया है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को क्रिएट किया है, इन लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू किया है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया है, और जो चेन है चेन ऑफ सप्लाई उसमें हमने पीछे जाना शुरू किया है, और बरेली तक जा करके हमने लोगों को अरेस्ट भी किया है और उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कराई। तो इस अभियान को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ड्रग्स अवेयरनेस का पखवाड़ा चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, उसका क्लोजिंग डेट 26 जून है। 26 को हम लोग के क्योंकि G20 आ रहा है इधर, तो इसलिए हमें ये मीटिंग आज करनी पड़ी। आज हम एक शपथ लेंगे, उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, MHA है, वहाँ से एक अभियान चल रहा है ई शपथ का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक शपथ का। तो उसका रास्ता भी आयुष साहब बताएंगे कि कैसे ये उसको ले सकते हैं। बाहर शायद इन्होंने QR कोड लगाया है, तो उसको स्कैन करके बताइए आप विवेक कैसे लेंगे। तो वो भी अब हम सभी लेंगे, और 26 तारीख को पूरा एजुकेशन विभाग जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इसके लिए कहीं भी ले सकते हैं। आपको मोबाइल खोलना है और वहाँ पे शपथ लेना है, फिर आपका एक शपथ पत्र क्रिएट हो जाएगा, आपका नेशनल डेटाबेस में नाम चला जाएगा कि आपने शपथ ली है कि आप ड्रग्स नहीं लेंगे। तो मैं चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता था और मतलब डेप्थ में मानता हूँ, फिर भी 3-4 बिंदु बड़े बिंदु आए हैं, इनके साथ हम फॉलोअप करेंगे। और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो मिशन है, उसको ज़रूर पूरा करें।